जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में सोमवार सुबह कुछ ऐसा हुआ कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। डिस्ट्रिक्ट राजधानी जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में फायरिंग से 4 लोग की मौत हो गई। इस फायरिंग में एक पुलिस वाले की भी मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक बता दूं, एक पुलिस वाले ने गोली चलाई है, 3 यात्री की, एक ईसाई की जान चली गई। ये घटना जयपुर एक्सप्रेस मीरा रोड स्टेशन पर पहुंचने पर हुई थी। आरोपी कांस्टेबल अभी पुलिस की हिरासत में है। इन घटना से जुड़े कई वीडियो सामने आने के बाद मामले को लेकर कई बातें सामने आ रही हैं। कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, उसमें ये दावा आ रहा है आरपीएफ कांस्टेबल बैठे उस ट्रेन में कुछ लोगों से राजनीतिक बहस हो गई, अपराधी गुस्से में आकर जुनून में अपराध कर दिया। आईएमआई सांसद असरुद्दीन ओवैसी घटना से जुड़ी एक वीडियो रिट्वीट करते हुए कई आरोप लगाए हैं। ओवैसी जो वीडियो शेयर किया है वो आपको हम नहीं दिखा सकते हैं। वीडियो में आरोपी का चेहरा नजर नहीं आ रहा है, उसके सामने एक लाश पड़ी हुई है और वो धमकाने के अंदाज में कह रहा है भारत में रहना होगा तो मोदी योगी कहना होगा। असरुद्दीन ओवैसी वीडियो को रिट्वीट करते हुए लिखा, एक आतंकी हमला है जिसमें खास तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाया गया है। लगातार मुस्लिम विरोधी भाषाओं और प्रधानमंत्री इस पे रोक न लगाने इच्छा का परिणाम है। साथ ही ओवैसी तंज कसते आरपीएफ जवान बीजेपी उम्मीदवार बनेगा की जमात को सरकार समर्थन, क्या रिहा होने पर उनको माला पहनाई जाएगी, गलत साबित होने पर खुशी होगी। बता दे जयपुर मुंबई पैसेंजर गोलियों की बारी फायरिंग हुई तो अफरा तफरी मच गई और यात्री दहशत में आ गए थे। फिलहाल आरोपी कांस्टेबल को हिरासत में ले लिया गया है। खबरों के मुताबिक आरपीएफ जवान गोली की बारिश क्योंकि अभी रेलवे कमिश्नर ने कहा आरपीएफ कांस्टेबल चेतन गुस्सेल टाइप का था, मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं था। मीना को गोली मारी और 3 लोगों को और भी गोली मारी। चेतन मुंबई सेंटर आरपीएफ में तैनात था, हाथरस का रहने वाला। इससे पहले उसकी पोस्टिंग गुजरात में थी, उसका ट्रांसफर मुंबई में हुआ था। एसआई टीकाराम दादर आरपीएफ में तैनात, राजस्थान सदाई मायधोपुर के रहने वाले थे। सूत्रों के बाद पालघर निकलने के बाद चेतन ने फायरिंग शुरू कर दी, उसके बाद चिलिन पुलिन करके वो ट्रेन से कूद गया। हालांकि उसको आरपीएफ के जवानों ने गिरफ्तार कर लिया।